तो दोस्तों क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि 23 जून से सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट शुरू होने जा रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट में खेलने वाले सभी टीम के कंफर्म स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सभी टीमों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के फैन क्रिकेट के वापसी का कर रहे हो बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन ऑल को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्रिकेट से रिलेटेड सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप टॉस और मैच का 100% एक्यूरेसी का प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो एक बार ऑल इन वन क्रिकेट प्रिडिक्शन के साथ कॉन्टेक्ट जरूर करें। उनका सारा डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही साथ इनका सारा डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वेस्ट इंडीज में COVID-19 की स्थिति बिल्कुल अच्छी चल रही है। वहाँ पर COVID-19 के बहुत कम केसेस मिले थे, जो कि सब रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में कैरेबियन देश यहाँ पर COVID-19 मुक्त हो गया है। तो ऐसे में कैरेबियन देश चाहते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द क्रिकेट की वापसी कराया जाए। ऐसे में सबसे पहले भी वहाँ पर वानुअतु T10 लीग का आयोजन हुआ, उसके बाद विंसी प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा सफल रहा। उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट को शुरू करने का। इसका शेड्यूल पहले अनाउंस कर दिया गया था, जो कि 11 से 21 जून के बीच इसको शेड्यूल किया गया था। यानी यह लीग 11 जून से शुरू होने वाला था, जबकि इस लीग का फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाने वाला था। लेकिन COVID-19 की वजह से तब इस लीग को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब इस लीग का नया शेड्यूल आ गया है, जहां पर यह लीग 23 जून से शुरू होगा और इस लीग का फाइनल मुकाबला 8 जुलाई को खेला जाने वाला है। तो लगभग 15 दिन यह लीग चलने वाला है। इन 15 दिनों के दौरान इस लीग में टोटल 30 मैचेस का आयोजन कराया जाएगा। 30 मैचेस इस लीग में खेले जाएंगे, पर डे 2 मैचेस का आयोजन किया जा रहा है। मैचों की टाइमिंग की बात करें तो गाइस प्रतिदिन 2 मैचों का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में दिन का पहला मैच लोकल टाइमिंग के हिसाब से रात 12:30 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि दिन का पहला मैच रात 11 बजे से स्टार्ट होगा भारतीय समय अनुसार। वही दूसरा मैच लोकल टाइमिंग के हिसाब से रात 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि दूसरा मैच भारतीय समय अनुसार रात 1 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो मैचों की टाइमिंग यही रहने वाली है, आप टाइम नोट कर लीजिए। 23 जून को आपको पहला मैच देखने को मिलने वाला है भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे। उसके बाद टीम्स की बात कर ले तो इस लीग में टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। सभी 10 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सभी टीमों का स्क्वाड शो हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज कर पूरा स्क्वाड देख सकते हो, पूरा कंफर्म स्क्वाड देख सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इसके लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यही था सभी टीमों का कंफर्म स्क्वाड। हालांकि यह 8 ही टीम का स्क्वाड था, क्योंकि 2 टीमों का स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हो पाया है। तो ऐसे में यही 8 टीमों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल के बारे में। तो इसका लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल्स पर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट आप मोबाइल पर फैनकोड एप्लीकेशन पर देख सकते हो। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इस लीग को देखोगे या नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।